आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। जामताड़ा उपायुक्त ने लॉकडाउन में मजदूरों को मनरेगा में दिया काम, मजदूरों के चेहरे पर देखी मुस्कान। जिस तरह प्यासे एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, उसी तरह मजदूर रोजगार के लिए तरस रहे थे। लेकिन जामताड़ा उपायुक्त गणेश कुमार के सकारात्मक पहल के बाद आज जिले के मजदूरों को मनरेगा से रोजगार के अवसर मिले हैं। जामताड़ा जिले के हसन बेड़िया पंचायत में मनरेगा योजना से मजदूरों की जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हो गई है। मजदूरों का कहना है कि जामताड़ा उपायुक्त की पहल ने मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। पंचायत में मनरेगा में मजदूरों को काम मिलना प्रारंभ हो चुका है, इससे मजदूरों में काफी खुशी देखी जा रही है। आज आसन बेड़िया गांव में टीसीबी निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। रोजगार सेवक राजकिशोर झा ने कार्य का शुभारंभ किया। मौके पर दर्जनों मजदूर को काम पर लगाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आसन बेड़िया पंचायत का यह मनरेगा से लॉकडाउन में पहला टीसीबी कार्य है, जो लगभग 9 एकड़ भूमि पर यह कार्य लगातार एक महीने तक जारी रहेगा, जिससे मजदूरों को लगातार काम मिलने की संभावना है। इससे मजदूरों में एक माह तक काम मिलने की उम्मीद जगी है। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे काफी आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन मनरेगा के तहत टीसीबी मिट्टी कटाई के काम ने रोजगार के अच्छे अवसर पैदा किए, जिसके कारण मजदूरों में खुशी व्याप्त है। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। जलधर हंसदा, गांव है आसन बेड़िया। आसन बेड़िया में किसी भी काम कर रहे हैं, किसी भी टीम सरकार दिया है, इसलिए किसी भी हम काम कर रहे हैं। एक महीना तक चलेगा। हाँ, धन्यवाद कह रहे हैं। हमारा नाम है दरबरे हंसदा। हम लोग यहाँ पर काम चलता है आसन बेड़िया में, किसी भी काम चलता है। एक मैं यही स्थिति में का लॉकडाउन में बंद हुआ था, उसी लिए हम लोग यही रोजगार यहाँ काम हो रहा है आसन बेड़िया में। नाम शिवरंजन मुर्मू है। और इस किसी की एक महीना चलेगा तो हम लोग का फायदा मिलेगा, काम करेगा। धन्यवाद देते हैं जो ना। सर हेमराम ग्राम आसन बेड़िया है। हम बोलिए, टीसीबी काम मिला है, अभी मजदूरी भी लॉकडाउन के में अभी बहुत तंग हो रहा था, इसलिए अभी मजदूर काम कर रहे हैं। हाँ, सरकार से हम धन्यवाद दे रहे हैं।